दोस्तों, मेरा नाम है गंथर और यहाँ पर हम लोग करेंगे रिएक्शन पाकिस्तानी वीडियोस पर। और मैं अकेले रिएक्शन नहीं करूंगा, मेरा दोस्त भी करेगा जिसका नाम है किक बटोस्की। तो क्या बोलती पब्लिक, शुरू करें रिएक्शन वीडियो। आपको तो पता ही है कि अभी हाल ही में हेलसिंकी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे देश का एक सिटी है जिसका नाम है मुंबई, ये सेकंड रैंक पे आया है ऑनेस्ट सिटी के मामले में। फर्स्ट रैंक पे है लंदन। इसी से रिलेटेड अनम शेख ऑफिशियल्स ने वीडियो बनाया है, इसी पर हम लोग करेंगे रिएक्शन। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है इंडिया के लिए। एक बार फिर प्राउड की बात है कि वहाँ की एक सिटी जो कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ के अंदर सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है, लंदन की इंग्लिश सिटी फर्स्ट पर आई है और इंडिया की मुंबई सिटी सेकंड पर आई है। और कितनी बड़ी उनके लिए प्राउड की बात। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हंड्रेड्स में भी पाकिस्तान की कोई सिटी नहीं आ रही, और पाकिस्तान की सिटी के ना आने की वजह हम जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से, और वो इंडिया की मुंबई सिटी के बारे में क्या कहते हैं तो उनसे जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक्चुअली सबसे पहले जो रीज़न है वो तो अनएजुकेटेड पर्सनस है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। और जैसे कि मेरे हाथ में ये भी टिशू है, मैं भी इसको यूज़ करूँगा, यहाँ पे फेंक दूँगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की आवाम कभी इस तरह तरक्की कर सकेगी कि वो 100 में भी कभी आ सकते हैं। तो ये मुझे एक रीज़न लगता है। और इंडियंस का देखा जाए तो वो दरअसल हमसे काफ़ी आगे हैं। ये तो हम पाकिस्तानियों का खून है कि जी वो हमसे पीछे, पर वो हमसे काफ़ी आगे हैं। वो टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी देर पहले चले गए हैं, उनके कार मैन्युफैक्चरर्स खुद के हैं, उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो डिज़र्व करते हैं। और पाकिस्तान की मुझे नहीं लगता कि यहाँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ के पॉलिटिशियंस, उनको बस खुद से लगा हुआ है, खुद के कामों से लगा हुआ है। डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, आवाम क्या कर रही है, आवाम भूखी मर रही है, उनको इस चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में सिर्फ जिहाद, इस्लाम 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 और सिर्फ इस्लाम भरा हुआ है, बाकी दिमाग पूरा खाली डब्बा है। तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि वो इस्लाम की पूछ नहीं छोड़ते। इन्हें पॉलिटिशियंस की तो क्या लगता है कि अभी करंट गवर्नमेंट में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, करंट गवर्नमेंट में उनका टूरिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है, उनका स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत सी चीज़ें उनकी पहले पाँच के रैंक में ऑलमोस्ट हर सेक्टर आता है। क्या लगता है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अभी की गवर्नमेंट है, वो क्या सिंसियर है और वो क्या आगे इंडिया को मजीद और आगे पहुँचाएगी? ये तो अब इंडियंस ही कोई बता सकते कि वो सिंसियर। हाँ तो मैं बताता हूँ ना, मैं बैठा हूँ इसी काम के लिए, सिंसियर भी है और आपसे अच्छे भी हैं, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है और आपका देश इस्लामिक देश है। और इस्लामिक राष्ट्र की हालत पूरे विश्व में आप देख सकते हो, इराक की देख लो, ईरान की देख लो, किसी को भी उठा के देख लो, उनकी हालत यही है। वो आपस में लड़ते रहते हैं, जिहाद के लिए कुछ भी करेंगे, मजहब के नाम पे देश बना रहता है, उनके लिए मजहब फर्स्ट है, देश सेकंड नंबर पे आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेंगे। और हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए देश पहले है, फिर बाद में कोई धर्म जाति या फिर मजहब आता है। पर ये मैं श्योर हूँ कि जैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो उनसे तो बहुत ज़्यादा सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और अगर हम देखें कि जैसे उनका रैंक बढ़ता जा रहा है हर सेक्टर में, उससे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसे होंगे। हाँ डेफिनेटली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमसे हर रैंक में आ गए हैं। ये तो बस एक वैसी हवा है हमारी, हम पाकिस्तानियों की बात है कि पाकिस्तान सबसे अच्छा है, ये है वो है, पर एक्चुअली अगर हम किसी फॉरेनर की नज़र या किसी बाहरी वाले की नज़र से देखें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी जगह पर फॉल करता है। क्या बोल रहा है भाई, पाकिस्तान बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा है। ध्यान से देख, आतंकवाद फैलाने में, अशांति फैलाने में, गरीबी बढ़ाने में, लोग भूखे मर रहे हैं तेरे देश में, आटे के बिना मरी जा रही है जनता। क्यों कह रहे है कि आगे नहीं है, बहुत चीज में आगे, पता करेगा तो पता चलेगा ना कि उसका कोई इतना रैंक होना चाहिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, बरसगीर में जब हम अलग हुए थे इंडिया से, तो हम लोगों के पास ऑलमोस्ट रिजर्व, ऑलमोस्ट रैंकिंग इंडिया के बरक्स बराबर थी कंपेरिजन में, ठीक है। अगर हम देखें तो इंडिया ने आज इतनी डेवलपमेंट की है लेकिन पाकिस्तान में नहीं, क्या इन फ्यूचर लगता है कि इंडिया को बीट कर सकता है या इंडिया के मुकाबले में आ सकता है? हाँ ये मुझे नहीं लगता कि इंडिया को बीट करने की वाली जो बात है ये मुझे नहीं लगता होगी कभी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे डॉलर्स की प्राइसेस अब जा रही है, जैसे कि आपने देख लिया ओपन मार्केट की तरफ डॉलर चला गया, जो वही डॉलर अब 225 का है और ओपन मार्केट में 265 का पहुंच गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ की करप्शन ही सबसे पहले ख़त्म नहीं हो रही, 75 ईयर्स हो गए हमें, तो हमारी तो अभी करप्शन नहीं खत्म हुई, हमारी अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूरी हुई, तो हम कैसे उनको बीट करेंगे? हम इंडियंस की बात करें, क्या वो सिंसियर है अपने मुल्क के साथ और उनके मुल्क को जैसे उन्होंने रखा हुआ है क्या वो हक अदा कर रहे हैं? मैंने आपको इसका पहले भी आंसर दे दिया कि अब ये तो कोई इंडियंस ही बता सकता है, पर
यार मैंने बताया तो इससे पहले कि भारत बहुत सिंसियर है अपने देश के लिए, तभी तो इतनी तरक्की कर रहा है, जीडीपी में फिफ्थ रैंक पे आ गया है, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। अपने पीएम मोदी साहब ने एकदम झंडे गाड़ दिए हैं, तुम्हारे पीएम की तरह नहीं जहाँ हर जगह कटोरा लेके पहुंच गए, ला भैया ला पैसा दे, पैसा लाया कि नहीं लाया, भुखमरी में मरी जा रही है जनता और उसको पैसे से फुर्सत नहीं है, पुराने पीएम पैसा ले लेके भाग जाते हैं और तेरे यहाँ के जनरल पैसा कमाने के लिए जनरल बनते हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मुझे ये लगता है, मैं इंडियंस और पाकिस्तानी अवाम की बात करी, पॉलिटिशियंस की बात नहीं करी। क्या आपको लगता है वहाँ पर जैसे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहाँ पे एजुकेटेड लोग ज्यादा है, क्या वो अपने मुल्क के हक अदा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी? कुछ हद तक वो भी कर रहे हैं, पर देखा जाए तो सिमिलैरिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ हद तक देखा जाए जैसे कि वहाँ पे भी कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग जो वेल एजुकेटेड पर्सन है वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, ब्रॉड चले जाते हैं, वही सीन पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा बहुत है। अगर हम देखें ना, वहाँ पर एक रेडी वाला जो है वो भी मोर एजुकेटेड, अंडर एफ ए कह सकते हैं, बी ए कह सकते हैं, इतना वो होता है, उससे कम भी हो तो उसके पास वो नॉलेज होती है, वो चीज़ें होती हैं वहाँ पर। आप अगर एक रेडी पर चीज़ लेने जाते हो ना, उनके पास भी स्कैनर होता है कि आप पेमेंट जो है इस तरह कर सकते हो। हमारे यहाँ पर उस बंदे को ठीक से उर्दू बोलनी नहीं आती और वहाँ पर वो बंदा भी इंग्लिश में बात करता है, इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पे अप है। इसी जगह पे तो मार खाते हो तुम पाकिस्तानी, तुमको क्या लगता है उर्दू आने से, अंग्रेजी आने से लिटरेसी रेट बढ़ती है या ज्ञान का भंडार बढ़ जाता है? अंग्रेजी एक भाषा है भाई, और हिंदी भी एक भाषा है, उर्दू भी भाषा है, फारसी भी भाषा है, फ्रेंच भी भाषा है। भाषा आने जाने से लिटरेसी रेट नहीं बढ़ती, ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो। तुम्हारी तरह मदरसे छाप वाली पढ़ाई नहीं करते हमारे देश के लोग। हमारे देश के बच्चे बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, नीट की एग्जाम निकाल के मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, बहुत आगे जाते हैं भाई। और जो विदेश जाते हैं ना, इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ नॉलेज लेके आए और अपने देश में तरक्की करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे कि ये तो अब हर किसी को पता है, इवन दोस्त उन्होंने खुद के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड छाए हुए हैं, और हमारी तरफ देख लो कोई ऐसा कोई सीन ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। हम सबसे पहले तो मेरी खुद की, अब दूसरों को बाद में कहता हूँ, मेरी खुद की ये गलती ये है कि मैंने कभी पाकिस्तान की किसी भी प्रोडक्ट को कभी वैल्यू नहीं दी। जैसे क्यू मोबाइल था, पाकिस्तानियों ने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया। और जो बाहर के ब्रांड्स हैं, एक्चुअली कुछ हद तक हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, कुछ हद तक कंपनीज जो है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना बना नहीं पाते। अगर हम उनकी बात करें ना, वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि वहाँ पर मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। इवन कि अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड उधर ट्रेड की जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि परसों एक लड़की जो कि इंडिया की थी ओरिजिन से और यूएस बेस, वो जज बनी है, और पाँच वहाँ के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर है डिफरेंट ममालिक के। कितनी बड़ी बात है उनके। अभी आप ये रिसेंटली मैं देख रहा था न्यूज़, आई थिंक यूके में किसी, हाँ वो अभी देख लें वहाँ पे इंडियन हैं वो, और गूगल के फाउंडर, गूगल के सीईओ देख लें आप, गूगल के अब तो वो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उनके सीईओ देख लें आप, अब वो सभी देखें तो वो सभी इंडियंस हैं। और पाकिस्तानी एक अमीर बंदा क्या हो जाता है, जिसके पास एक छोटी सी मेहरान आ जाती है वो खुद को इंसान ही नहीं समझता। तो अनएजुकेटेड यहाँ पे पर्सन मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। आप सुन रहे थे, पहले तो ये है कि आपका जो है ना यहाँ पे जो निज़ाम, अभी तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है। मेन बात तो ये आपका मतलब बैंक करप्ट है। क्यों नहीं पता भाई तेरे को कि तेरे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई। अभी उसके बाद उसका भांजा, भतीजा, बाऊ, साऊ, सब कोई ना कोई तो बनी जाएगा, नहीं तो और अच्छी कृपा रही तुम लोगों के ऊपर, तो इमरान खान फिर से आके बहुत अच्छा डेट ट्रैप में फंसाएगा तुम्हें, ऐसा कर्जा लेगा, ऐसा कर्जा लेगा कि सबको डुबा के रख देगा। और मैं तो मानता हूं कि तुम लोगों के देश में फिर से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व कर देता है, हमारे देश को तो जरूरत भी नहीं पड़ती भाई कुछ करने को। बैंकक्रप्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि 99% 1% है कि बैंकक्रप्ट होने वाला मुल्क आपका, आपके मुल्क को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। असल जो इंडिया जो इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और उनको आपको पता है उनकी जो रुपया भी कितना बड़ा हो गया, पाकिस्तान का रुपया, उनका बांग्लादेश का कितना रुपया, अफगानिस्तान का कितना बड़ा रुपया। आपका जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वही जो एक पावरफुल होता है, वही ताकतफुल होता है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो इतना मुताबिक नहीं है कि वो किसी से बात कर सके, उससे बात नहीं, वो पर्चियां खोल खोल कर देखने लग जाता है कि क्या मैंने करने, क्या बात मैंने करनी। उनका जो प्राइम मिनिस्टर ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो उन्हें एमए किया हुआ है, और वो उसे कोई टेंशन ना, वो उसे पता है मैंने क्या आगे बात करनी है, मैंने अपने मुल्क के लिए भलाई के लिए क्या बात करनी, वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। अब ये रैंक एम ही नहीं बना, ये रैंक कुछ उसको जो मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने कोई काम ऐसा किया तो रैंक पे है। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसा है तो वो भी रैंक कर सकता है, ये भी हमारा लाहौर भी आ सकता है, कराची भी आ सकता है, इस्लामाबाद भी आ सकता था, मगर नहीं आया। एजुकेशन की बात की अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं वो भी वेल एजुकेटेड ही साबित हुए हैं, अभी तक उनकी डिग्रीज भी ऐसे ही साबित की गई है। अगर हम देखें तो इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अंडर मैट्रिक जो स्टूडेंट होता है वो भी वेल एजुकेटेड होता है, क्योंकि उनके जो एजुकेशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा मियाड़ी है। अगर हम देखें तो हमारी वो एजुकेशन जो वो पहले शायद 10 साल पहले पढ़ा चुके हैं, और मेन रीज़न कि वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, और हम क्या करते हैं?
हम प्रैक्टिकल नहीं काम करते हैं, वैसे ही काम देखे ये काम हो जाएगा, ये हम प्रैक्टिकल असल मेन जो बंदा वही काम है जो प्रैक्टिकल करेगा। अगर मैं करूँगा मैं अपनी बात कर, अगर मुझे कोई काम मिलता है कंपनी की तरफ से, मुझे वो कहते हैं यार ये काम करना, मुझे समझ लगता है, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ फिर मुझे काम के समझ लगते। उनके जो बच्चे बच्चे को इंग्लिश बोलनी है, ये भी बोला फिर इंग्लिश। अरे इंग्लिश से लिटरेसी रेट हाई होती है क्या यार? पढ़ाई लिखाई करो, कुछ आईएएस पीसीएस बनो, कुछ आगे बढ़ो। अंग्रेजी अंग्रेजी की पूंछ पकड़ ली है यार तुम लोग। अंग्रेजी से ज्यादा क्या होगा, तुम लोग विदेश में जाओगे अंग्रेजी भोकोगे, लेकिन अगर कोई ज्ञानी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं की, तो क्या उखाड़ लोगे सिर्फ अंग्रेजी आने से? कुछ फील्ड में कुछ करोगे तब तो कुछ कर पाओगे आगे। आपके घर में जो है ना, घर में अगर आपके नॉलेज, अगर घर में आपके बाप या बहन या वालदा पढ़ी हुई है, तो वो उस जो है ना एजुकेटेड बच्चा, बेशक वो अनपढ़ या वो अंडर मैट्रिक होगा, वो एजुकेटेड होगा। आपके जो आपकी पहले तो ये है कि आपकी स्टडी होती है मेन स्टडी। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ मुल्क में आपको पता होगा, यहाँ पे आम चीज़ चल रही है वो ये चल रही है कि मैंने कोई अंडर मैट्रिक आपको ज़्यादातर जहाँ मुल्क में जो है ना पढ़ नज़र आएंगे, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है काम। अगर बच्चा पढ़ता नहीं उसको कहते काम पे लगा, उसको ये नहीं कि अप्रिशिएट कि भाई आप सोचो अंडर मैट्रिक लड़का किस काम पे लगेगा? अब ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि किस काम पे लगेगा। भाई पंचर बनाएगा, भाई बलून बेचेगा, भाई कपड़े बेचेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा किसी आतंकवादी गिरोह के चक्कर में पड़ गया तो आतंकवादी भी बन जाएगा, थोड़े थोड़े पैसों के लिए बर्बाद हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर जाते हैं ये लोग। यही होती है इनकी पढ़ाई। और क्या बात कर रहा है यार, घर में कहां से पढ़ाई करेगा वो, माँ कहां से पढ़ाएगी जो बुरके के अंदर 24 घंटे रहती हो? तुम लोग तो इतने शौकीन हो शरीयत कानून के, जहां पे औरतों को पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती, कहां से बनोगे, कहां से पढ़ाओगे बेसिक शिक्षा? पढ़ो आगे तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, मगर ये हमारे मुल्क में नहीं होता। उनका ये होता है वो जो अप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अगर बच्चा नहीं पढ़ता उसको पढ़ाते हैं कि यार तुम पढ़ो पढ़ो, हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो क्या लगता है कि उनके लिए कितनी बड़ी एक प्राउड की बात है कि उनकी एक सिटी वर्ल्ड सिटीज बेस्ट के अंदर सेकेंड नंबर पर रैंक कर रही है, लेकिन हम लोग इस तरह की एक प्राउडी चीज क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे? क्या ऐसा इन फ्यूचर हमारे लिए हो पाएगा? नहीं, मुश्किल है। देखिए पहले तो आपका ना बहुत इस टाइम तो आपका मुल्क जो है ना क्राइसिस में जा रहा है बहुत ज्यादा। आप इसमें हिसाब लगा ले, हम जो गंदम वो भी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं फिर इम्पोर्ट करनी पड़ती है, हमारे चावल हम करते हैं, हमारा मुल्क इस है नहीं कि हम अपने मुल्क में कोई चीज़ रख सकें। बहुत मुश्किल है ये आने वाले 10-20 साल, तो मुझे लग रहा है कि 15-20 साल जो है बहुत मुश्किल है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर डिपेंड होता है। अगर आपका इमरान खान था वो एजुकेटेड था, उससे पता था मैंने किस तरह बात करनी, वो लग रहा था हमें कि वो मुल्क को लेकर जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है मुल्क। मगर जब ये आए मैं शुभाशी वगैरह कोई मुल्क ऐसे नहीं नज़र आ रहा हमें। हाँ, बड़ा ग्रोथ किया इमरान खान ने, कि जो पाकिस्तान ने पूरे अपने पूरे समय में जितना कर्जा नहीं लिया, इमरान खान ने अपने टेन्योर में यानी 3.5 साल में उतने बराबर कर्जा ले लिया। यही विकास किया है, और गजब का विकास किया भाई, हमारे भारत के लिए बहुत ही गजब का विकास किया उसने वहाँ पे। हम तो चाह रहे फिर से पीएम बन जाए और बंटाधार कर दे पाकिस्तान का। कि पीएम मोदी की अगर बात करें तो उनको खिताब हम पाकिस्तानी की तरफ से ऐसे ऐसे मिलते हैं, क्या वो उन खिताब के लायक हैं या फिर जो उनको वर्ल्ड की तरफ से सराहा जाता है क्या वो उसके लायक है? नहीं नहीं, देखिए जो कोई भी होगा ना प्राइम मिनिस्टर, बेशक हमारा हमसाया मतलब कोई, वो आपको उसे अप्रिशिएट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह हमारा तुर्की का, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब ये जो नरेंद्र मोदी को नहीं करते हम तो नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको भेजे, हमें जो जो अनएजुकेटेड है वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर मोदी वो तो दहशत गर्द है, वो लोगों को मारता है। ये ना आप जो जाहिल लोग हैं वो ये बात करते हैं, जो जिस तरह हम पढ़े लिखे एजुकेटेड उन्हें पता है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहा है। वो इस टाइम हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो अच्छा अपने मुल्क के लिए काम, अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर है वो। जिस तरह हम तुर्की को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुर्की बहुत मुल्क है उनका, उसका सदर बहुत अच्छा, इस तरह उन्होंने भी हम अप्रिशिएट करते हैं। ये भाई एक पाकिस्तानी से ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा, कम से कम तू तो एजुकेटेड है यार, तेरे को तो पता चल ही गया होगा कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके की जो अफवाहें पाकिस्तान में फैली हुई हैं कि वो लोगों को मारते हैं, मुस्लिमों को मारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छे नेता है और सबके लिए अच्छे हैं। चलो कम से कम तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। बाकी पाकिस्तान में तो जहालत इतनी ज्यादा है कि हर जाहिल यही उठ के बोलता है कि वो मुसलमानों के लिए सही नहीं। हमारे देश के मुसलमानों से कभी फोन करके पूछ ले भाई, अगर कोई रिश्तेदार हो तेरा तो बहुत आराम से रह रहे हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं। यही बात बात है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। इसके ना दो तीन मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो हमारे सियासतदान हैं इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो आप देखें कि हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ था। फिर से वही बात, हर बार वही बात। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था मुझे कोई बता दे, बस बता दे कब आजाद हुआ था पाकिस्तान। 1947 के पहले पाकिस्तान पूरे विश्व के नक्शे पर कहां था? सिर्फ एक देश था, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, उससे कटकर अलग हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और बाद में तुम लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बदल ली 14 अगस्त। गवार कहीं के जाहिल। लेकिन आज वो हमसे आगे निकल गया है,
और हम उससे बहुत पीछे रह गए हैं। आप लोग पीछे रह गए हैं अपनी कट्टर सोच की वजह से। ये जो आपकी मजहबी सोच है ना कि जो है सब इस्लाम का है, इस्लाम ने ही पूरे विश्व को बनाया है, हम इस्लामिक लोग, हम मुसलमान सबसे ऊपर हैं, बस इसी वजह से आप सबसे नीचे हो। झंड जिंदगी हो चुकी है, भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, देश करप्ट हो गया है, ऐसे ही होता रहेगा। और आप लोग ना, एक और चीज़ है कि अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हो। आप लोगों को यही नहीं पता कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। कभी अपने आप को अरब से जोड़ोगे, कभी टर्की से जोड़ोगे, कभी किसी और से जोड़ोगे। हो हिंदुस्तानी, यहीं से अलग हुए हो, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप छोटे हो जाओगे। जब भी कोई इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है या कोई देश, ये जान लीजिए उसकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। और मजहबी सोच पर बना हुआ देश तो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हर लिहाज से हम पीछे रह गए हैं। उसकी रीजन क्या है? कभी हमारे सियासतदानों ने, कभी हमारे ये जो अदारे बैठे हैं, ये जो पॉलिसी साज बैठे हैं, कभी उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया। ठीक है, कभी पॉलिसी नहीं बनाई। हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का, तो आप देखें, आप तो ये बात कर रही हैं ना कि हमारा रैंक में नाम ही नहीं आया, लाइक इंडिया का आ गया। तो भाई ये तो बहुत दूर की बात है। आप अपने लाहौर का हाल देखें कि अब ये जो वेदर के लिहाज से आप देखें कि स्मोग है, हमारी को पॉलिसी नहीं है इन्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है, सेकंड आप कराची देख लें, इस्लामाबाद देख लें। ठीक है, हमारे पास सिर्फ तीन ही ऐसी सिटीज़ हैं जो कि वेल डेवलप मानी जाती थी, और वो भी अब हमने कैसे रख दी हैं। डेफिनेटली आप ठीक कह रही हैं कि हमारे जो मेजर सिटीज़ है पाकिस्तान के, वो इस्लामाबाद है, लाहौर है और कराची है। और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली तीनों पर हमारा कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, और लोग ख्वार हैं, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, और हमारे सोशल मामला ठीक नहीं है। तो अब किस तरह आगे आएंगे? हम देखें ना, ये तो एक लिस्ट थी वर्ल्ड बेस्ट सिटीज की। अगर हम जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या फिर पॉवर्टी की बात करें, हम हर चीज़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा और कम हैं। पॉवर्टी में ज़्यादा है, लिटरेसी में कम है, और हर चीज़ में हम मतलब एक उन्होंने अपना मियार बना लिया दुनिया के सामने। वो मियार हम क्यों नहीं बना सकते? क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस ख़राब हैं? क्या बजाते हम खुद इंसान बिल्कुल ठीक हैं? एक्चुअली बात पता क्या है, अगर आप बात करते हैं ना जीडीपी की, तो आज से आप 4 साल पीछे चले जाएँ, 2018 में आप चले जाएँ, 2018 का आप जीडीपी चेक करें, 5 point something था। तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो माशाल्लाह से जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल माइनस में ले गई है। ठीक है, तो देखिए इन सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है तो वो हमारे सियासतदान है कि एक प्रीवियस गवर्नमेंट जो है वो 5 point something पे जीडीपी छोड़ के जा रही है। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट, पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी जिन्होंने हुकूमत संभाली है, तो कम से कम अगर उसको इंक्रीज नहीं कर सकते थे तो उसी को ही मेंटेन कर लेते। सर, आपको लगता है पाकिस्तानियों में यूनिटी है? देखें, अगर आप यूनिटी की बात करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा तजाद आ जाता है कि अगर हम यूनिटी करेंगे ना कि हम अपने इस मतलब मजहबी लेवल पे आएंगे, तो हमें वो जोश भी है, वो जज्बा भी है, यूनिटी भी है। मगर जब हम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि किसी में यूनिटी हो। देखा, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि सिर्फ मजहबी नाम पर आप लोग हैं। मजहब के नाम पे यूनिटी है, लेकिन देश के नाम के लिए यूनिटी नहीं है। पॉलिटिक्स में आप कभी ये काम नहीं करोगे कि सारी जनता मिलके ऐसे गद्दार, ऐसे सियासतदान को निकाल बाहर फेंके जो देश के लिए नहीं सोचते। लेकिन नहीं, वहाँ पे यूनिटी नहीं रहेगी, सिर्फ मजहब के नाम पे यूनिटी रहेगी। तब तो आप लोग अहमदिया, किसी और सुन्नी से आपस में लड़ लड़के यूनिटी के नाम पे, है ना, खुद में ही लड़ते रहते हो और कहते हो कि यूनिटी के नाम पे, मजहब के नाम पे आप लोग कुछ भी करते हो। इसीलिए आपके देश से कंपनियां भी भाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आता आपका ये मजहबी सोच। हर कोई सिर्फ मजहब के झंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है, देश का झंडा तो कोई लेकर ही नहीं चलता आपके यहाँ। तो बात है कि सब अपने अपने पार्टीज में बटे हुए हैं, और जब कोई को एक यूनिटी नहीं रखती, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? देखें, आपको कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वो याद होगा कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये तीन बातें उन्होंने कही थी। तो आज अगर कौम उन बातों पे मुत्तफिक हो जाए, उसको एग्री कर ले, उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, मैं नहीं समझता कि अब देखें ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना है आज, वो बड़ा तरक्की याफ्ता है, ऐसे ही है। लेकिन आप 80 के दहाई में जाएं, तो यही पाकिस्तान, यही हमारा मुल्क, इसने उसको कर्जा दिया। रुक, देखते हैं कब दिया था कर्जा। रुक जा, गूगल पे देखते हैं। ये कहाँ है, कहाँ है, तू दिखा दे, बस दिखा दे कहाँ है। इसमें एक जगह सिर्फ लिखा है 80 के दहाई के दशक में आप लोगों ने रिलेशनशिप अच्छे करने की बात की है, बाकी कब दिया, कहाँ दिया कर्जा, मुझे बताओ।
था। तब इंडिया और पाकिस्तान के रिजर्व और बिल्कुल हम कंपैरिजन करें तो एक जितने ही जैसे ही थे, लेकिन आप देख लें बिल्कुल इसी तरह है ना। देखें तब था क्या, हम आजाद नए नए हुए थे, 147 में हम आजाद हुए थे। ना सुधरोगे भाई तुम लोग, ना सुधरोगे। तुम लोगों को सही में कुछ नहीं पता, ना इतिहास पढ़ा है ना भूगोल पढ़ा है, कसम से एकदम लुटिया डूबी पड़ी है बे तुम लोगों की। अबे आजाद नहीं हुए थे, तुम लोगों का जन्म हुआ था 1947 में, भारत से अलग हुए थे, कम से कम इतिहास तो ढंग से पढ़ ले। 80 की दहाई में आए थे तो हमने उनको कर्जा दिया था, मगर अब देखें वो जज्बा नहीं है, वो यूनिटी नहीं है। जज्बा और यूनिटी छोड़ दे, पैसे भी नहीं है कि किसी को तो कर्जा देगा, पहले खुद कर्जा ले ले, IMF से ले ले, वर्ल्ड बैंक से ले ले, अरब ममालिक से ले ले, चाइना से ले ले, दौड़ दौड़ के भीख की तरह पैसा ले, तू क्या देगा भाई किसी को कर्जा। आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि अगर इस कौम में हमारे सियासतदानों में यूनिटी आ जाए, ये ईमानदार हो जाए, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान टॉप पे आएगा। क्यों अभी अल्लाह सो रहा है क्या, पाकिस्तान को देख नहीं पा रहा है वो कि क्या हाल हो रखी है वहाँ की जनता की, जो मजहब के नाम पे, अल्लाह अल्लाह के नाम पे, इंसान अल्लाह के नाम पे, अल्लाह ताला के नाम पे दिन रात अल्लाह अल्लाह करते रहते, अल्लाह सुन ही नहीं रहा, सो रहा है। अल्लाह कब दिखाएगा अपना चमत्कार बताओ मुझे, अभी अल्लाह नहीं देख रहा, अल्लाह सो गया है कि अल्लाह चला गया है। मैं बताऊं, अल्लाह ने तुम लोगों पे रहमत करना ही छोड़ दिया, क्योंकि तुम लोगों ने जो जिहादी सोच, जो आतंकवाद फैलाया है, जो लोगों को मारा है, अपने यहाँ जो जेनोसाइड किया है, बांग्लादेश में जो जेनोसाइड किया, भारत के लिए जो आप लोगों ने गलत काम किया, ये सब अल्लाह ने देखा और निर्णय लिया कि आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही अंजाम मिलेगा। अगर हम बात करें स्टार्ट की, जब हम ब्रिटिश गिर से अलग हुए थे, तब हमें आपने कहा कि आज़ाद हुए थे, ठीक है, आज़ादी के बाद हमारे हालात और वाकयात बिल्कुल अच्छे थे। अगर हम आज़ादी के बाद अब की बात करें, तो हमने क्यों US की रिजीम को सिलेक्ट किया, हमें जब रशिया ब्लॉक और US ब्लॉक में जाने के फैसला करना था, तो हमने क्यों US ब्लॉक को सिलेक्ट किया, वाई? और आज भी अगर हम देखें तो US के आगे हमारी क्या इमेज है और इंडिया की क्या इमेज है? आपका क्वेश्चन बहुत जिम्मेदाराना है और मैं एक सिविल में मतलब इसका इतना खासा नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन ओ भाई तू रहने दे, मैं ही बता देता हूँ। तुम लोग अमेरिका को इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि तुम लोगों को डॉलर चाहिए थे, अफगानिस्तान में जो वार छिड़ी हुई थी रशिया के खिलाफ अमेरिका की, तो तुम लोगों ने अमेरिका को बेस दिए, अपने जगह पे बेसिस दिए, ताकि वो वहाँ पर लड़ाई कर सके, और उसके बदले में तुम लोगों को डॉलर्स मिल रहे थे। तुम लोग इतने ज्यादा एहसान फरामोश हो कि आज जो अफगानिस्तान, आप लोग कहते हो कि अफगानिस्तान हमारे करीब है, अफगानिस्तान के हम बहुत बड़े दोस्त हैं, आप ही लोग थे ना जो अफगानिस्तान पे हमला करवाने के लिए अमेरिका को अपने बेसिस देते थे, ताकि वो वहाँ से एयरक्राफ्ट से वहाँ पे लगातार बमबारी कर सकें, भूल गए क्या? मैं दो लफ्जों में आपको बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों का ना जिम्मेदार हमारे अदारे हैं। अगर हमारे अदारे, अदारों में बैठे लोग अगर वो ठीक हो जाएंगे ना, तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इस सब चीज़ों के ये जो हालात वाकयात, ये हमारे मामलात हैं, ये सब चीज़ें हैं ना, इनके जिम्मेदार मैं एक शहरी होने के नाते अपने अदारों से कहूँगा, मेरा शिकवा है अपने अदारों से, और ये बड़े दुखी दिल से कहा जाता है। देखें ना, पॉलिसी साज हैं हमारे अदारे हैं ना, अगर हमें सिक्योर कर रहे हैं, हमारी हिफाजत हो रही है, ये सारे हमारे मामलात चल रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, कानून है, कानून की बालादस्ती है, तो कानून की हुक्मरानी किसने करवानी है, कानून की बालादस्ती किसने करवानी है, हमारे अदारों ने करवानी है। ऑन द अदर हैंड, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ, वहाँ पर टेन्योर भी पूरे होते हैं, वहाँ पर लोग जो है अवेयरनेस रखने के बाद लोग जो है वो एक यूनिटी में चल कर अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, उनके साथ भी देते हैं, और पार्टीज नहीं वहाँ बनी हुई, इसको किस तरह देखते हैं? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तो हालात माशाल्लाह से आपके सामने हैं, कभी ऐसा आपने दूसरे मुल्कों में देखा, कभी देखने को मिला जो हमारे पाकिस्तान की अब करंटली सिचुएशन चल रही है, जो हमारी पॉलिटिक्स किधर खड़ी है, जितनी ये हमारी सियासी पार्टियां हैं तो सब अपने अपने मफाद की खातर रस्साकशी में लगी हुई हैं, मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है। रिसेंटली आप देखें ना कि हर तरफ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, आटे का बहरान है, तो क्या वजह है? देखें पाकिस्तान तो खुद कफील है गंदम में, चावल में, तो ये देखें हम, ये हमारी अपनी पैदावार है, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरियात ज़िंदगी में वो चीज़ें मुकम्मल नहीं कर पाते, हम अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी। देखें कुछ लोगों को ना अभी इस मामले में ना थोड़ा सा आइडिया नहीं है, हाउ नो नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद 95% जो अख्तियारात हैं वो सूबे के पास हैं, 5% वफाक के पास हैं, फेडरल के पास तो 5% है, ठीक है, लेकिन सूबों के पास तो 95% इख्तियारात हैं, वज़ीर आला बैठा हुआ है, परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं,
तो वो इस पे एक्शन लें। वो नहीं देखते न्यूज में, वो नहीं देख, लोगों की दुहाइयां नहीं सुन रहे कि लोग आटे से परेशान है। पिछले दिनों मैं सुन रहा था, ये 2-3 दिन पहले एक बुजुर्ग फौत हो गया आटा ले, बहुत से लोग ऐसे जानी नुकसान हो। आज मैं देख रहा था कि फैसलाबाद में एक खातून है, वो कल आटा लेने गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, आज वो दोबारा गई है, वो टक्कर लगी है आई थिंक बाइक या गाड़ी की, तो उसकी डेथ हो गई है। तो क्या वजह है, ये हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, इनको नहीं पता एड्स भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। बात वही है, पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी होगी तो सब कुछ होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। सीख सा मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ तो भाई घंटर वीडियो तो खत्म हो गई, अब बोल तेरे को क्या बोलने का है, पूरा वीडियो देखने के बाद तेरे को क्या लगा कि पाकिस्तान के क्या चल रहे बाप? भाई ये तो वही रोना हर बार का, भारत कोई ना कोई तरक्की करता रहेगा, कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा, ये लोग उस पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपन लोग रिएक्शन देते रहेंगे, पाकिस्तान की जनता ना सुधरी थी ना सुधरेगी, वो मजहब की सोच और मजहब की पूछ लेके आगे बढ़ती रहेगी, पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी। तो अपनी पब्लिक से क्या बोलेगा इस रिएक्शन को देखने के बाद, कुछ तो बोल भाई। लोग देखो अपना मुंबई वर्ल्ड ऑनेस्ट सिटी में सेकंड रैंक पे आया है, ये मैंने पहले भी बताया था। भारत तो रोज कोई ना कोई मील के पत्थर प्राप्त करता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई मजहबी सोच नहीं है, सब देश के लिए काम करते हैं। इसके उलट पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी सोच के लोग पड़े हुए हैं। आप किसी भी वीडियो में, पाकिस्तानी वीडियो में आप देख पाएंगे कि वो अधिकतर मजहब की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे और उसी का रोना रोते रहेंगे, इसीलिए पाकिस्तान की तरक्की भी वहीं तक रुकी हुई है। तो पब्लिक चलने का समय आ गया है, होप आप लोगों को मेरी ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना प्लीज प्लीज प्लीज, और बगल में जो घंटा है उसे भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हम लोग ऐसे ही पाकिस्तान की बैंड बजाते रहेंगे, उनके रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे। तो चलते हैं, चल भाई गंथर, बाय बाय। चल भाई चल, लेकिन भाई आप लोगों को बोल दूं जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना।